वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 16। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। यानी अगर हमें जीवन में सफलता पानी है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे मन में उस काम के लिए इच्छा होनी चाहिए। आप देख लीजिए, जिस चीज़ के लिए आपके मन में लगाव होता है आप उसको पाने की पूरी कोशिश करते हैं, और कितनी भी उसके सामने मुश्किल आए लेकिन आप उन मुश्किलों को आराम से पार कर लेते हैं। इस चैप्टर में ऐसे ही एक ऐसे इंसान की कहानी बताई है जिन्होंने अपने जीवन के सुखों को छोड़कर पूरी बच्चों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसका थॉट देखिए कन्फ्यूशियस का है, द विल टू विन, द डिज़ायर टू सक्सीड, द अर्थ टू रीच योर फुल पोटेंशियल, दीज आर द कीज दैट विल अनलॉक द डोर टू पर्सनल एक्सीलेंस। अब जीतने की इच्छा होना, सफलता पाने की चाह रखना और उसे पूरी तरह अपने आप को उस काम के लिए लगा देना, इन सब बातों से ही हमारे जो सफलता है उसके द्वार खुलते हैं। यानी हमें सफलता जरूर मिलती है, किससे? जीतने की इच्छा से, अपने मन में लगन होने से और उसके प्रति काम करने से। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए, अ विलिंग पर्सन फाइंड्स वेज टू कंप्लीट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर जीतने की इच्छा है वह कितने भी मुश्किल काम हो उनको पूरा करने के रास्ते ढूंढ ही लेता है। द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग ऑलवेज derives अस टू वर्क hard फॉर इट। अगर हमारे मन में किसी काम को करने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है तो उसे पाने के लिए हम पूरी मेहनत मेहनत कर लेते हैं। नेक्स्ट है, आर विलिंगनेस टू वर्क ऑनेस्टी फॉर अ सर्टेन गोल एंश्योर दैट वी अचीव इट। और अगर हमारे अंदर जो इच्छा है उस इच्छा को पाने के लिए अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी चाह है, उस तक हम जरूर पहुंच जाते हैं। यानी चाह के साथ साथ मेहनत, मेहनत के साथ साथ ईमानदारी। वी शुड रिमेन फोकस्ड ऑन व्हाट वी वांट एंड बी विलिंग टू डू द ग्राउंड वर्क फॉर इट। हमें हमारा जो उद्देश्य है पहले तो उस पर फोकस करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, फिर उसके प्रति हमारे मन में इच्छा हो और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें शुरुआत से ही मेहनत करनी चाहिए। अ पर्सन हु इज़ रेडी टू डू एनीथिंग दैट इज नेसेसरी टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स इनवेरिएबली फाइंड्स अ वे टू अचीव इट। एक ऐसा इंसान जो कि अपने निश्चित उद्देश्य तक पाने के लिए कुछ भी कर लेता है तो वह उसे पाकर ही रहता है। बच्चों, इस चैप्टर में आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताई है जो कि जिन्होंने कि बच्चों को दास प्रथा से मुक्त कराया था। आपको मालूम है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करना गैरकानूनी अपराध है, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर कि अभी भी बच्चों से काम कराया जाता है। तो बच्चों का जीवन क्या होता है, वो एक फूल की तरह होते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ना कि परिश्रम करके उनके जीवन को व्यर्थ में गंवाना है। इन्होंने ऐसे ही दास प्रथा, जो गांवों में दास प्रथा चलती है कि पैदा होने से पहले ही पेरेंट्स अपने कर्ज को चुकाने के लिए बच्चों को अमीर लोगों को गिरवी दे देते थे, और फिर वो बच्चा पैदा हुआ तो वह उनका बचपन से ही गुलाम बन जाता था, जो पूरी उम्र गुलाम ही रहता था। आज भी कई गांवों में, कई छोटी छोटी जगहों पर ये प्रथाएं चल रही हैं, या कई आप देख लीजिए फैक्ट्रीज हो गई, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं तो वो उनसे पहले से ही लिखवा लिया जाता है। तो ये सब क्या है, काम गैरकानूनी है। इन्होंने उन बच्चों को उस दास प्रथा से मुक्त कराया। ये है सत्यार्थ प्रकाश। इनका जन्म के बारे में बताया है, देखिए स्टोरी। बॉर्न इन 1954,
in the Vidisha district of Madhya Pradesh, India, the electrical engineer with a postgraduate diploma in engineering has become a world-renowned child rights activist today. इनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 1954 में हुआ था. ये पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और आज ये बाल अधिकारों के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. इवन एज ही रिसीव्ड द नोबल पीस प्राइज इन 2014 जॉइंटली विद पाकिस्तान्स मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी सेड हिज हीरोज वर द चिल्ड्रन ही हैड सेव्ड फ्रॉम स्लेवरी. सत्यार्थी हैज बीन क्रेडिटेड विद मेकिंग फ्री अबाउट 80,000 चिल्ड्रन फ्रॉम बॉन्डेड लेबर सिंस ही स्टार्टेड हिज कंपेन इन 1980s. इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, शांति पुरस्कार का सम्मान दिया गया था. यह है कैलाश सत्यार्थी और ये कहते हैं कि इनके हीरो तो वो बच्चे हैं जिनको इन्होंने दास प्रथा से बचाया था. ये अपना पूरा क्रेडिट जो इन्हें प्राइज दिया या इतने सम्मान दिया गया, इसका पूरा क्रेडिट वे उन 80,000 बच्चों को देते हैं जिनको उन्होंने दास प्रथा से 1980 में मुक्त कराया था. ही सीज हिज नोबल प्राइज एज ऑन एन ऑनर फॉर हिज फेलो इंडियंस एंड फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन हुज वॉइस हैज नेवर बीन हर्ड बिफोर इन द कंट्री. वे अपने इस नोबल प्राइज का पूरा श्रेय सम्मान उन भारतीयों को और उन बच्चों को देते हैं जिनकी की पहले कभी भी इस देश में आवाज सुनी नहीं गई. दिस हिज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी एज ए क्रूसेडर फॉर चिल्ड्रंस राइट टू गुड लाइफ अवे फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ पर्सन कैन फाइंड अ वे टू फुलफिल हिज ड्रीम्स थ्रू अ स्ट्रॉन्ग विल एंड कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क. उनकी ये लंबी और कठिन यात्रा जो कि बच्चों के अधिकारों के लिए थी, उन्हें अच्छा जीवन दिलाने के लिए, उन्हें दास प्रथा से मुक्त कराने के लिए, ये उनका एक सपना था. उन सपनों को उन्होंने देखा और उसके लिए पूरी मेहनत की. अ प्रोफेसर इन भोपाल बिफोर डेडिकेटिंग हिमसेल्फ टू अ लाइफ डिवोटेड टू एरिडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, सत्यार्थी हैज बीन वर्किंग tirelessly for his mission under his organization. सत्यार्थी प्रकाश ने अपना, कैलाश सत्यार्थी ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, है ना, जिसमें वे बाल अधिकारों के लिए लड़ा करते थे. इसमें वो दिन रात मेहनत करते थे इस चलाने के लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन, शॉर्ट फॉर्म है BBA, जो कि 1980 से चली आ रही है. द ऑर्गेनाइजेशन हैज सॉट टू एजुकेट टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन इट हैज रेस्क्यूड. सत्यार्थी हैज लेड रेस्क्यू मिशन फॉर दोज वर्किंग इन बॉन्डेड लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सर्वाइविंग सेवरल अटैक्स ऑन हिज लाइफ इन द प्रोसेस. इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो उन्होंने संस्था बनाई थी बचपन बचाओ आंदोलन, ने जिन बच्चों को दास प्रथा से मुक्त कराया उन्हें पढ़ाया भी और इन्होंने ऐसे बहुत सारे मिशन्स चलाए जो कि बच्चे दास प्रथा में बंधे हुए थे फैक्ट्रीज में, बहुत अलग अलग एरियाज में, वहाँ से उनको अटैक, मतलब उनको छुड़वाया गया. BBA helped initiate the South Asian Coalition on Child Servitude, a gathering of more than 750 civil society organizations. In 1998, Satyarthi organized the Global March Against Child Labor. More than 7.2 million people in 103 countries took part in the campaign.
बीबीए यानी बचपन बचाओ आंदोलन ने साउथ एशिया में एक बच्चों के बचाने के लिए एक और कई 750 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और 1998 में सत्यार्थी ने एक ग्लोबल मार्च निकाला जिसमें लगभग 7.2 मिलियन लोगों ने डिफरेंट 103 देशों के 7.2 मिलियन लोगों ने भाग लिया था. अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी द चिल्ड्रन हु मार्च्ड विद हिम इन 1998 वर हिज ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन बिकॉज दे वर सेल्फलेस एनर्जेटिक एंड कमिटेड टू एंडिंग ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन. He says that the energy he derived from these children drove him to keep working endlessly for their welfare. He continues to do so even today. सत्यार्थी के अनुसार 1998 में जिन बच्चों ने उनके साथ भाग लिया था वे उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी और पूरा वो उत्साहित थे और उन्होंने इस कैंपेन को पूरा करने में पूरा पूरा सहयोग दिया और यही एनर्जी जो बच्चों की थी वही उन्हें ताकत दे रही थी कि वे बच्चों को इस बाल श्रम से मुक्त कराएं और उन्हें अच्छा जीवन दें पढ़ाएं लिखाएं और इसी काम में वो आज भी लगे हुए हैं. तो बच्चों इस चैप्टर से आप सबको क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम अगर हम मन में ठान लें तो कठिन नहीं होता. हम मन में सोच लें कि हमें यह काम करना है तो वह काम हम जरूर ही कर सकते हैं. ओके थैंक यू.